good morning students this video is for grade 1 and today we are going to start our chapter 2 parts of computer today we will read this lesson together and i will explain you this lesson okay so let's start as a s s o u r our B O D Y body, H A S has, D I double -F -F -E different, P A R T S parts. As our body has different parts, a C O M P U T E R computer, A L S O also. एच ए एस हैज डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट पी ए आर टी एस पार्ट्स अ कम्प्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं इन द सेम वे कंप्यूटर्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो इस लेसन में हम उन पार्ट्स के बारे में ही सीखने वाले हैं समझने वाले हैं ओके सो ई वी ई आर वाई एवरी पी ए आर टी पार्ट आई एन इन ओ यू आर आवर बी ओ डी वाई बॉडी एच ए एस हैज एस ओ एम ई सम S P E C I F I C specific F U N C T I O N S functions T O two P E R F O R M perform Every part in our body has some specific functions to perform. इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन हर एक पार्ट्स का एक काम होता है तो वो वही करते फॉर एग्जाम्पल लेग्स है तो लेग्स का काम है रनिंग करना तो वो वॉकिंग या रनिंग करते हैं राइट और ब्रेन का काम है थिंक करना डिसीजन लेना तो वो करता है आइज का काम है देखना तो वो वैसे काम करता है नोज का काम है स्मेल करना ब्रीथ करना तो वो करता है ओके टीथ्स का काम है चूइंग करना राइट तो ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और उनका अलग अलग काम होता है वो और वो वही करते हैं इन द सेम वे कंप्यूटर के पार्ट्स का भी कुछ काम होता है और वो वही करते हैं फॉर एग्जाम्पल सी अब यहाँ पर उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने अभी आपको बोला था कि ई वाई ई एस आईज ए आर ई आर यू एस ई डी यूज एफ ओ आर फॉर एस डबल ई आई एन जी सीइंग मीन्स आईज आर यूज फॉर सी इंग कुछ देखने के लिए हम आईज का यूज करते हैं वैसे ही एच ए एन डी एस हैंड्स एफ ओ आर फॉर डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग हैंड्स फॉर राइटिंग हाथों का यूज़ हम राइटिंग करने के लिए करते हैं एल ई जी एस लेग्स एफ ओ आर फॉर डब्ल्यू ए एल के आई एन जी वॉकिंग मीन्स लेग्स की हेल्प से हम वॉकिंग कर सकते हैं चल सकते हैं ओके okay. S I M I L A R L Y, similarly, a C O M P U T E R, computer, A L S O, also, H A S, has, D I, double -F -F -E different, P A R T S, parts. सिमिलरली अंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स वैसे ही कंप्यूटर की भी डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो अब वो पार्ट्स कौन से है क्या है वो हम सीखेंगे ओके सो ऑन द नेक्स्ट पेज एम ओ एन आई टी ओ आर रिपीट एम ओ एन आई टी ओ आर मीन्स वॉट

आई एस इज सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड एम ओ एन आई टी ओ आर अ टेलीविजन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉनिटर। इसका मतलब है कि दिखने में हमारे घर पे जो टीवी होता है उस तरीके का दिखने वाला ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक जो चीज है इसे कहा जाता है मॉनिटर और वो एक कंप्यूटर का पार्ट है ओके सो डब्ल्यू ई वी सी ए एन केन एस डबल ई सी एम ओ वी आई ई एस मूवीज ए एन डी एंड सी ए आर टी डबल ओ एन एस O ओ एन ऑन आई टी इट ओके

कंप्यूटर सी ए ए एन कैन बी ई बी एस डबल ई o सीन ओ n ऑन t i इट द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी सीन ऑन इट मतलब इस मॉनिटर पे हम मूवीज कार्टून्स तो देख ही सकते हैं बट जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं वो वर्क हमें इस मॉनिटर के थ्रू ही दिखाई देता है या मॉनिटर पे ही हमें दिखता है ओके तो ये इस मॉनिटर का काम है उसका वो फंक्शन है तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी इज सी पी यू क्या है सी पी यू ओके अब ये सी पी यू क्या है तो अ सी पी यू आई एस इज टी एच ई द

आर ई सी टी ए एन जी यू एल ए आर रेक्टेंग्युलर रेक्टेंग्युलर बी ओ एक्स बॉक्स इसका मतलब क्या है ये जो सी पी यू दिख रहा है ये सी पी यू जो है जैसे हमारा ब्रेन होता है जिससे हम सोचते हैं समझते हैं चीज़ों को और याद रखते हैं वैसे ही ये सी जो है ये इस कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये जो कंप्यूटर काम करता है वो सी के हेल्प से सोचता है समझता है डिसीजन लेता है और फिर ही काम करता है इसीलिए लिए सी को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और ये शेप में कैसे दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स है ओके So I T HELPS helps a COM computer TO two THINK AND and WORK work A according TO G I V E N, given, O R D E R S, orders. It helps a computer to think and work according to given orders. matlab मतलब, CPU जो है, जैसे orders मिलते हैं, उसी तरीके से उन्हें follow करके थिंक करता है और फिर वर्क करता है तो ये सी का फंक्शन है ओके तो अब तक हमने पढ़े हैं कंप्यूटर के दो पार्ट्स एक है मॉनिटर और एक है सी पी यू नाव सी यहाँ पे एक एक्टिविटी है यहाँ पे क्या करना है कलर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर गिवन बिलो यहाँ पे जो दो पार्ट्स अभी हमने सीखे हैं वो दो पार्ट्स के पिक्चर है और इन पिक्चर्स को हमें कलर करना है तो मॉनिटर जो है इसे हम ऑरेंज क्रेऑन कलर करेंगे और सी जो है इसे हम ग्रीन क्रे कलर से कलर करेंगे हम जब कलर करेंगे तब हमें अच्छे से कलर करना है इन जो बॉर्डर लाइन्स है इनके बाहर हम कलर नहीं करेंगे और मॉनिटर के लिए ऑरेंज कलर और सी के लिए ग्रीन कलर और कंपलसरी हम क्रेयॉन कलर्स ही यूज़ करेंगे ना ही स्केच पेन ना ही वाटर कलर कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ क्रेयॉन कलर्स यूज करेंगे और हम ज़्यादा दबा के कलर्स नहीं करेंगे अदरवाइज पीछे के साइड उसका छप जाएगा उसका स्प्रिंट आ जाएगा जो कि बाद में बहुत गंदा दिखेगा और हमारा बुक भी गंदा हो जाएगा सो so, आपको केयर करके इन पेजेस में इस कलर करना है ओके सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड न इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू द अदर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ओके थैंक यू